हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्लास। आई एम योर रिवियस टीचर नीतू पांडे, फैकल्टी ऑफ साइंस, स्कूल शिवरा सिंह चिल्ड्रन एकेडमी। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, छोटूज हाउस। तो छोटू हाउस मीन्स छोटू कोई घर बना रहा है, तो ऐसा नहीं है। छोटू फर्स्ट टाइम गोइंग इन मुंबई, सबसे पहले चैप्टर 5 में आप देखेंगे कि छोटू फर्स्ट टाइम मुंबई जा रहा है। मुंबई में उसे कोई घर नहीं मिलता है। जब उसे कोई घर नहीं मिलता तो फिर सोचता है कि मैं कौन सा घर बनाऊँ, कौन सा। तो उसे पाइप दिखाई देती है, उसी पाइप में वो डिवाइडेशन करता है और पार्टीशन ऐसा करता है कि कुछ भाग में वो किचन बनाता है, बेडरूम बनाता है, गेस्ट रूम बनाता है। छोटू सबसे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करता है गेस्ट के पास और वहाँ पर वो एक फ्रेंड को भी इनवाइट कर लेता है, छोटू और मोनू। ये दोनों लोग अब रहने लगते हैं। छोटू कहता है कि जब मैंने पार्टीशन किया तो मैंने उस पार्टीशन में सबसे ज़्यादा टाइम अपने गेस्ट के साथ स्पेंड किया। और कपड़े धुलाता है वो, और धुल करके एक ऐसा पार्टीशन किया है जिसमें वो फैलाता भी है, जो कि आपके पिक्चर में शो भी हो रही है। तो छोटूज हाउस, छोटू स्पेंड मेनी टाइम इन विद द गेस्ट। सो व्हाट डिड द छोटू थिंक व्हेन द लुक्ड एट द पाइप। छोटू ने जब पाइप को देखा तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा ये तो मेरे लिए घर बन जाएगा। स्टूडेंट्स, ऐसे ही जब उसकी मदर बोलती है कि घर, घर मीन्स कि क्या आप एलोन रह रहे हो, होम स्वीट होम। अब जब होम स्वीट होम की बात आती है तो वो रहता है और उसकी मदर रहती है। उसकी मदर कहती है इस घर में तो तुम अकेले हो। तब वो देखता है बड़े ध्यान से कि क्या सच में मैं इस घर में अकेला हूँ। उसकी नज़र कॉर्नर पे जाती है, कॉर्नर पे स्पाइडर ने अपना घर बनाया था। नीचे जाती है जहाँ पर चींटी लाइन से जा रहे थे। फिर वो देखता है सराउंडिंग में, चारों तरफ देखता है तो देखता है कि फ्लाइज उड़ रही हैं। इस तरह उसने अपनी मदर से कहा, माँ आप तो कहती हो कि घर में मैं अकेला हूँ, लेकिन यहाँ पर तो इतने सारे इंसेक्ट्स हैं, तो ये जो इंसेक्ट हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अनइनवाइटेड गेस्ट। इनको बोलते हैं अनइनवाइटेड गेस्ट। ये अनइनवाइटेड गेस्ट क्या है, ये है अनइनवाइटेड एनिमल्स। ये कौन कौन से हैं, जैसा उसने सबसे पहले देखा, स्पाइडर, आंट, मॉस्किटो और उसने देखा फ्लाइज, कुछ मक्खियों को देखा। सो स्टूडेंट्स, ऐसे तो होम स्वीट होम में उसने कहा कि हम घर में अब अकेले नहीं रहते हैं, मेरे साथ इतने सारे एनिमल्स भी रहते हैं, आखिर ये घर उनका भी तो है। तो होम स्वीट होम, ये जो एनिमल्स रहते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको आप पालते हो, वो कैसे एनिमल हो जाते हैं, वो हो जाते हैं पेट एनिमल्स। उनको आप अपने शौक से पालते हो, जैसे पैरट, काऊ, ओके। अब ये जो इंटरेस्टिंग थिंग्स है वो रैट से है। रैट, क्योंकि उसने रैट को भी देखा, तो रैट के लिए बहुत अच्छा फैक्ट है कि रैट को तो दिखाई बहुत कम देता है। रैट हैव पुअर आई साइट्स बट हैव एक्सलेंट सेंस ऑफ स्मेल, लेकिन उसका सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा होता है। सूंघने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है, और टच एंड टेस्ट, ये तीनों चीज़ें उसकी बहुत अच्छी होती है। किसकी, रैट की। रैट के लिए लिख लो, रैट में गुड सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल एंड टच,
ये रेड की बहुत अच्छी होती है लेकिन उसकी आई साइट बहुत पुअर होती है। सो स्टूडेंट्स, अब उसकी मदर ने कहा, दैट इज़ वाई आई से डियर मदर, अपनी मदर से कहता है, डोंट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली आर्स, ऐसे मत सोचो कि ये घर सिर्फ मेरा है, इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव देयर, ये उन सबका है जो वहाँ पे रहते हैं, जो हेयर जो यहाँ रहते हैं, एंड हैव बीन लिविंग फॉर मेनी ईयर्स, और ये कई सालों से हमारे घर में रहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमें भी एनिमल से क्या करना है, उनसे प्यार करने हैं। और आपको पिक्चर बनानी है कौन सी, अनइनवाइटेड एनिमल्स की, जो आपके घर में है, जो बिना बुलाए आए हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, जब घर बना लिया, अब उसे क्लीन करना है। क्लीन कैसे करेंगे, हाउ ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, आप अपने घर को साफ़ करने के लिए कौन कौन से थिंग्स का यूज़ करते हो, जैसे ब्रूम स्टिक, मॉपिंग, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो, उसके साथ साथ कुछ केमिकल का भी यूज़ करते हैं, जैसे आप फिनाइल का यूज़ करते हैं फ़र्श को क्लीन करने के लिए, हार्पिक यूज़ करते हैं टॉयलेट क्लीन करने के लिए। इन सब का हम एक बनाएंगे कि कैसे हम अपने क्लीन करते हैं घर को, कौन कौन से थिंग्स की आवश्यकता पड़ती है। यूज़ ऑफ टॉयलेट, अब आपके घरों में तो टॉयलेट है, लेकिन क्लास थर्ड के एक बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी, वो है बिल्लू। बिल्लू को प्रॉब्लम क्या है, टॉयलेट कैसे यूज़ किया जाएगा। सिमी नोटिस्ड दैट हर फ्रेंड बिल्लू वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबल, बिल्लू को ठीक से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर, वो सिमी से बात भी नहीं कर रहा है। सिमी, बिल्लू, वॉट हैपन, बिल्लू से कहती है क्या हुआ, यू लुक सो डल, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। बिल्लू बोलता है, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली, कि मुझको नहीं पता कि मुझे टॉयलेट किस तरह से यूज़ करना है प्रॉपर तरीके से। हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन शी वुड स्कोल्ड मी एज यूजुअल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। तो हीरा मैम राउंड पे थी, उन्होंने देखा बिल्लू को, बिल्लू से को डांटा, बोला आज भी तुमने टॉयलेट प्रॉपरली यूज़ नहीं किया है। सिमी बोलती है, वाई डोंट यू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली देन, तब तुम ठीक से टॉयलेट क्यों नहीं यूज़ करते हो। बिल्लू, आई एम स्केयर्ड दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट, बिल्लू बोलता है कि मुझे डर लगता है कहीं मैं टॉयलेट पिट में ना गिर जाऊँ। सिमी बोलती है, हाउ स्टूपिड, कितने पागल हो, एंड हाउ आई नो इट इज़ यू एंड मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स लाइक यू हु मेक आवर टॉयलेट सो डर्टी बाई नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। अब मैं समझी कि तुम्हारी तरह और सारे दोस्त भी हैं जो कि टॉयलेट को कितना गंदा कर देते हैं और टॉयलेट को वो प्रॉपर तरीके से यूज़ भी नहीं करते हैं। डोंट स्केयर, तुम घबराओ मत, बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनो, लेट अस नो नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल, अब मुझे बताओ मैं कैसे जिम्मेदार बनूँ। यूज़ द टॉयलेट बाई सिटिंग प्रॉपरली, सबसे पहले तो टॉयलेट में तरीके से बैठो, ऑलवेज फ्लश इट विथ वाटर आफ्टर यूज़, और जब आप टॉयलेट को यूज़ कर लो, यूज़ करने के बाद आप ज़रूर फ्लश ऑन करो। वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, और अपने हाथों को बहुत अच्छे से धुलो। वॉश योर हैंड्स थॉरली, वॉश योर सेल्फ, आपको भी अपने आप को भी धुलो अच्छे से और अपने हाथों को भी बहुत अच्छे से साफ करो। तो सिमी ने बिल्लू को बहुत अच्छे से समझाया, आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको टॉयलेट को अच्छे से प्रॉपरली यूज़ करें, उसकी साफ सफाई पर भी ध्यान दें। अब कुछ थिंग्स हैं, जब गांधी जी का 150th बर्थडे था, उस समय जब 150th बर्थडे ऑफ गांधी जी देन वी लॉन्च्ड प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम ने लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड। उसी समय जब 150th बर्थडे था महात्मा गांधी जी का, उस समय क्या लॉन्च किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान, उसी समय लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत अभियान। इसमें स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाया गया था लोगों को। स्टूडेंट्स,
ये भी बताया गया कि हमें स्वच्छता किस तरह करनी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम टॉयलेट को साफ़ करें, अपने इन्वायरमेंट को भी साफ़ रखें। सो स्टूडेंट्स, आप अपने स्कूल में भी देखोगे कि आपके यहाँ क्या टॉयलेट साफ़ रहता है, इज़ इट क्लीन, हु क्लीन इट एंड हाउ, कौन इसे साफ़ करता है और कैसे करता है, हाउ डू यू हेल्प इन इट, आप अपने घर में किस तरह से हेल्प कर सकते हो सफाई में। फ्रॉम नाउ, अब बिल्लू यूज़ द टॉयलेट रिस्पॉन्सिबली, अब बिल्लू बड़े अच्छे से टॉयलेट को यूज़ कर रहा है, ही लेफ्ट इट क्लीन, वो उसे साफ ही छोड़कर जाता है, आफ्टर इट्स यूज एंड वॉश्ड हिज हैंड्स, और इसको यूज़ करने के बाद वो अच्छे से अपने हैंड को भी वॉश करता है। और स्टूडेंट्स, द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ, आपको भी जैसा आप चाहते हो कि टॉयलेट बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए, आपको अच्छा लगता है, उसी तरह से आप अपने टॉयलेट को ज़रूर साफ़ करेंगे। द टाइम्स वेन यू वॉश हैंड, आपको टाइम बताना है कि जब आप अपने हैंड को साफ़ करते हो, कब कब अपने हैंड को साफ़ करते हो, इसकी एक लिस्ट बनाएंगे। ओके, ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन, हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखने की आवश्यकता कब पड़ती है, वेन ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन, तो हम आपको कुछ चीज़ें एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि जब हम बाथिंग एंड ब्रशिंग टीथ, जब हम बाद नहाते हैं, टीथ को साफ करते हैं, उस समय हमें क्लीन होने की ज़रूरत पड़ती है। क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली, हम साफ़ सफाई कैसे कर रहे हैं, अपने नेल्स को ट्रिम करते हैं रेगुलरली, यस, हम नहाते हैं बाथिंग एंड रेगुलरली वी क्लीन आवर टीथ, यस। उसी तरह के और कौन कौन से आप सफाई पे ध्यान रखते हो, कौन कौन सी और चीज़ें हैं, वो सब आप लिखोगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। ब्यूटीफुल लताज हाउस इज़ डेकोरेटेड, तो लता ने अपने हाउस को कैसे डेकोरेट किया है, लता ने एक विशेष स्पेशल ओकेजन में अपने हाउस को डेकोरेट किया है। आप अपने हाउस को कब कब डेकोरेट करते हो, अब यहाँ पर लता अपने हाउस को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रही है। ओके, आप अपने हाउस को कब डेकोरेट करते हो, लता डेकोरेटेड हर हाउस, लता डेकोरेटेड हर हाउस, आप कैसे कर रही वो, और आप किस किस समय अपने हाउस को डेकोरेट करते हो, स्पेशल वे कौन सा है जब अपने हाउस को डेकोरेट करते हो, एंड व्हेन, और कब करते हो। सो स्टूडेंट्स, आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेस, वे अपने घर को कैसे डेकोरेट करते हैं, और जब आप डेकोरेट करते हो कौन कौन से थिंग्स का यूज़ करते हो आप डेकोरेशन के समय, नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस, तो आप उसकी लिस्ट बनाते हैं, जैसे आप बलून यूज़ करते हैं, स्टार यूज़ करते हैं, ओके, थ्रेड्स यूज़ करते हैं, उसी तरह से और कौन कौन सी थिंग्स का यूज़ कर रहे हैं आप डेकोरेशन के लिए, वो आप अपने लिखेंगे। ठीक, हम यहाँ पर अब आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस छोटूस हाउस, छोटूस हाउस का एक बार फिर से डिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने छोटूस हाउस को देखा, जिसमें देखा कि छोटूस कम इन मुंबई फर्स्ट टाइम, तो छोटू पहली बार तो मुंबई आया है, तो जब कोई घर से बाहर जाता है, इट मीन्स कि उसे किसी काम की तलाश होगी, अब वो कुछ दिन रुकेगा वहाँ पर, तो रहने के लिए उसे क्या चाहिए, घर चाहिए, तो घर उसने कहाँ पे बनाया, पैसे तो थे नहीं उसके पास, एक पाइप में उसने घर बनाया, उसमें पार्टीशन किया, अलग अलग पार्टीशन, किचन, बेडरूम, किचन, गेस्ट रूम बना दिया। अब समझ लिया उसने कि मैं अकेले नहीं रह सकता हूँ, तो उसने अपने फ्रेंड, एक मोनू ऐसे ही राउंड पे था, और उसने देखा कि मोनू को भी घर की तलाश है, तो वो भी अपने साथ कंपनी लेने के लिए मोनू को भी इनवाइट कर लेता है। मोनू आता है, उसके साथ रहता है, साथ में खाते हैं, वो लोग प्लेइंग करते हैं, और अपने काम की तलाश में फिर चले जाते हैं। फिर वो अपने मदर के पास जाता है, वहाँ उसे कौन कौन मिलता है, वो रहता है और उसकी मदर रहती है। उसकी मदर होम स्वीट होम को अच्छे से बता रही है कि बेटा तुम अपने होम स्वीट होम में अकेले हो, तब वो बड़े ध्यान से देखता है,
होम स्वीट होम में मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ तो स्पाइडर है, रैट है और मास्कीटो है, आंट्स है जो लाइन से जा रही हैं। तो वो अपनी मदर से कहता है, मदर आप कहती हो कि मैं इस घर में अकेला हूँ, बट यहाँ पर तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, ये लोग कई साल से हैं, बहुत सालों से हैं यहाँ पर, तो हम इनको नहीं हटा सकते हैं। वो कहता है कि अब हमारे घर में इतने सारे लोग भी रहते हैं तो ये कौन है, अनइनवाइटेड एनिमल्स, इनको अनइनवाइटेड गेस्ट भी कहते हैं, आप इनकी पिक्चर भी बनाओगे, जैसे हम पेट एनिमल जिनको हम बुलाते हैं, पालते हैं, उनकी केयर करते हैं, लेकिन आप मॉस्किटो की कहाँ केयर कर रहे हो, स्पाइडर की कहाँ कर रहे हो, वो तो आपको बहुत आपके घर को भी गंदा कर देते हैं। यस, माइस तो आपके कई डॉक्यूमेंट्स को भी और कपड़ों को भी काट लेता है, लेकिन तब भी वो कहता है कि ये बहुत सालों से हैं, इनको परेशान मत करो, इनके साथ ही मैं रहता हूँ। फिर वो कहती है कि वो एक फैक्ट बताती है मदर कि रैट का जो आई साइट है वो बहुत पुअर होता है, लेकिन उसका सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल और टच ये बहुत अच्छा होता है। तब स्कूल की बारी आती है, स्कूल में स्टार्ट होता है कि बच्चे टॉयलेट का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि एक बच्चा है बिल्लू, वो हमेशा अपने टॉयलेट को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता है, तो उसकी टीचर राउंड पे होती हैं और हीरा मैम उसको डांटती हैं कि व्हाई बिल्लू यू नॉट यूज़ टॉयलेट प्रॉपरली, क्यों नहीं यूज़ करते हैं? उसको डांटती भी हैं। बिल्लू बहुत अपसेट हो जाता है। उसकी फ्रेंड सिम्मी कहती है कि बिल्लू तुम्हें टॉयलेट यूज करना चाहिए अच्छे से, रिस्पॉन्सिबल बनो। तो बिल्लू को समझाती है, फर्स्ट यू सिट प्रॉपरली, टॉयलेट पे अच्छे से बैठो, और कहती है जब टॉयलेट यूज़ कर लो उसे अच्छे से फ्लैश ऑन कर लिया करो। धीरे धीरे वो समझ जाता है बिल्लू और अच्छे से यूज़ करने लगता है। उसे बताया जाता है कि स्वच्छता, इतना अच्छी अच्छी बातें हमें क्यों बताई जा रही है। तब बताया जाता है 150th बर्थडे महात्मा गांधी जी के समय में स्वच्छता भारत अभियान स्टार्ट हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान जब उनका 150th बर्थडे था, तो महात्मा गांधी जी के इस बर्थडे के उपलक्ष में स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हुआ है। तब अब आती है इस घर को डेकोरेट करने की बात। डेकोरेशन कौन कर रहा है? लता। लता अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रही है। तो जब वो अपने घर को डेकोरेट करती है, तो क्या आप भी अपने घर को डेकोरेट करते हो? अगर डेकोरेट करते हो तो कौन कौन सी थिंग्स का यूज़ करते हो? क्या साफ सफाई करने में आप भी अपनी मदर की हेल्प करते हो? थिंक अबाउट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।